कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कोरोना की जो मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है। दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में 150 कोरोना पॉजिटिव मिले। जोधपुर में 18, डूंगरपुर और कोटा में 17-17 कोरोना पॉजिटिव मिले। पाली में 15, बाड़मेर में 14, जयपुर में 13, उदयपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिरोही में 9, अजमेर में 6, झुंझुनू में भी 6 कोरोना पॉजिटिव मिले। जालौर और सीकर की अगर बात करें, यहां 5-5 कोरोना पॉजिटिव मिले। भीलवाड़ा में 4, नागौर में 3, बांसवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। बीकानेर, दौसा, जैसलमेर, राजसमंद में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 6,377। दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में 150 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए लोकेश ओला फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं और कहां कहां से ज्यादा ये आंकड़े सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और आज दोपहर 2 बजे तक की बात करें तो प्रदेश में 150 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,377 हो चुकी है। लगातार जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो प्रवासियों के सामने आ रही है। अब तक प्रदेश में बात करें तो 1184 प्रवासी है वो कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। लगातार जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है और वहां पर कर्फ्यू लगा कर जो उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगातार चिकित्सा विभाग की ओर से जो काम किया जा रहा है उसको लेकर काफी सराहना की जा रही है। लेकिन बात करें तो सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या जयपुर में है। जयपुर में आज 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1699 हो चुकी है, यानी कि 1700 के करीब जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। इसी तरह बात करें तो जोधपुर में दूसरे नंबर पर है। जोधपुर में आज 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं और जोधपुर में 1160 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार जहां कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे अधिक जो प्रवासियों की बात करें तो जो जालौर में सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और साथ ही साथ में डूंगरपुर में सबसे अधिक अब तक प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 273 प्रवासी अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार जहाँ डूंगरपुर के साथ साथ में पाली, जालौर और जो अन्य जो मारवाड़ क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमित बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, जो एक चिंता की विषय बनती जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से जो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब जो संक्रमित क्षेत्रों में अधिक से अधिक सैंपलिंग की जा रही है और जहाँ पर जो प्रवासी अधिक संख्या में पॉजिटिव मिल रहे हैं वहाँ पर जिला स्तर पर भी कोरोना की जाँच की कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी। इसी को लेकर बात करें तो प्रदेश में अब तक जो 15,000 प्रतिदिन कोरोना की जाँच की कैपेसिटी है, साथ ही अब इसको मई के तक यानी या फिर जून के शुरुआती हफ्ते तक इसको 25,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसको लेकर भी चिकित्सा विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। जी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए चिकित्सा विभाग भी लगातार मुस्तैद है, लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है। थोड़ी राहत की बात यह कि राजस्थान में 57% की दर से रिकवरी रेट है, तो उस हिसाब से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। 152 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर, और कोरोना का जो दायरा है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, लगातार चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ में। सूबे के मुख्यमंत्री खुद भी चिंतित हैं और लगातार फीडबैक खुद तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, दोपहर 2 बजे तक 150 कोरोना पॉजिटिव मिले। सौ के पार ये संख्या पहुंच चुकी है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 152 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं।
और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट जोधपुर में, किस प्रकार के इंतजाम हैं और किस प्रकार से वहां पर तमाम एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल, जोधपुर शहर के लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोरोना का गहरा में जो लगातार देखने को मिल रहा है, आज देखे तो 18 मामले सामने है और सबसे बड़ी बात उसमें से 11 मामले ऐसे हैं जो जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। लगातार जो पिछले दिन है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से इका दुका मरीज सामने आ रहे हैं, जैसे लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो उस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग सहमे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की जो 4.0 जो लॉकडाउन लागू किया गया उसके अंदर जो रियायतें दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनपढ़ है, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे बाइक पे रूल है कि दो यात्री ही घूम सकते हैं, लोग तीन तीन चार चार लोग एक साथ बैठकर बाइकों पर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भारी पड़ती है, स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है मनीषा। बिल्कुल सत्येंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, सावधान नहीं हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, लॉकडाउन का चौथा फेज जरूर है लेकिन लॉकडाउन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसे में तमाम एहतियात बरतना अभी भी बिल्कुल जरूरी है। लगातार जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो मान नहीं पा रहे हैं, बाइक पे दो लोग सवार होकर जा रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जैसी तमाम जो चीज़ें हैं वो वहां पर बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। और ऐसे में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। 6300 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और अब तक 152 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर जिले से कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं, जो दायरा है कोरोना का राजस्थान में वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लॉकडाउन 4 में भी जो एहतियात बरतने के साथ साथ में जो छूट दी गई है वो आम जनता की सहूलियत के लिए दी गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर तो लाना ही है लेकिन आम जन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तमाम छूटें दी गई हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपके नैतिक दायित्व का पालन करना। बाड़मेर से अशोक शेरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अपडेट बाड़मेर में, किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस प्रकार से, देखिए बाड़मेर में 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आए तो क्या वहां पर हालात फिलहाल? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से जो प्रवासी लोग हैं लगातार बाड़मेर आ रहे हैं उससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। आज ही जैसा कि आपने बताया कि 14 मरीज जो है कोरोना के नए आज सामने आए हैं। इसके बाद जो बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनको लगातार प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन रखा जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी लोगों से एक संक्रमण फैलने की रोकथाम से के लिए जो वरिष्ठ IAS है वो बाड़मेर लगाया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश जो है वो कल बाड़मेर आए हैं और यहाँ जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और अब बाड़मेर में जो प्रवासी लोग आए उनके लिए विशेष व्यवस्था यह की गई है कि वो अगर क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे तो उनका मोबाइल जो लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है और उनको सूचना लगातार प्रशासन के पास रहेगी। इसी तरह उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कल बाड़मेर पुलिस द्वारा 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से लोगों को संक्रमण से बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल अशोक, एक और मेरा सवाल ये है कि देखिए जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर लोग पूरी तरीके से अपडेट नहीं होते और जो तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है वो वहां पर नहीं बरती जा रही, तो क्या बाड़मेर में भी ऐसा ही कुछ? बिल्कुल मनीषा, जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो बाड़मेर में आए हैं उसमें अधिकतर जो अब तक 70 का आंकड़ा पहुंच चुका है उसमें अधिकतर जो मरीज है वो सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कहीं ना कहीं आपकी बात सही साबित इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रामीण लोगों में कहीं ना कहीं सावधानी नहीं बरती जा रही है, इसलिए पॉजिटिव मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं। बाहर से जो प्रवासी लोग आए हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ग्राम विकास सतर्क समितियां जो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई है, हालांकि वो लगातार प्रयास तो कर रही है लोगों को होम क्वारंटाइन रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लापरवाही देखने को मिल रही है। अशोक, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़ा हर जगह बढ़ता जा रहा है, लगातार हम हमारे संवाददाताओं से बातचीत करके आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हर जिले से।
सामने ये आ रहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं वो थोड़ा सा सचेत नहीं है, वहां पर जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहां पर नहीं हो रही, लोग मास्क नहीं पहन रहे। सिरोही से लियाकत अली हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जो लियाकत बताएं, सिरोही में क्या इंतजाम किए गए हैं, जिस प्रकार से कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से क्या इंतजाम वहां पर, लोग कैसे जागरूक दिखाई दे रहे हैं या फिर जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन वहां भी सामने आ रहा है? जी बिल्कुल मनीषा, लगातार सिरोही जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोग अपने आप को इस नियमों के तहत मानते हुए दिखाई पड़ रहे, घरों में रह रहे, सुरक्षित रह रहे। साथ ही प्रशासन द्वारा इस कोरोना महामारी को लड़ने के लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही सिरोही जिले में अब तक कुल 87 कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। वही एक सिरोही जिले के लिए बड़ी राहत वाली खबर है कि यहाँ से जो पहला कोरोना पॉजिटिव मामला मिला था वो कहीं ना कहीं रिकवर हो गया और उसको घर भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं सिरोही जिले के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें जो कोरोना का दायरा है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, 6300 के पार ये संख्या पहुंच गई है। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में 150 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं, चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी जो नजर आ रही है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में लोग थोड़ा सा जागरूक नहीं है, जागरूकता की जो कमी है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है और इसीलिए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय, और साथ ही मास्क वहाँ पर नहीं पहना जा रहा, लोग कहीं ना कहीं अभी भी इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। पाली से मनीष राठौड़ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनीष, पाली में क्या अपडेट, लगातार जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं और किस प्रकार से वहां के हालात फिलहाल हैं? मनीषा, बता देना चाहूंगा कि हाल ही में अभी 2 बजे की रिपोर्ट में पाली जिले के 15 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसमें से बता दूंगा कि शहर में पाली शहर के सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाने वाली बापू नगर के अंदर 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महात्मा गांधी कॉलोनी में 1 की, पालड़ी जोड़ में 1 की, पावा के 1, सुमेरपुर क्षेत्र में 2 और डरी के 1 कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तक पाली जिले की 242 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनीषा जी बिल्कुल, मनीष ये बताएं कि जिस प्रकार से आंकड़ा वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो लोग किस प्रकार से, लोग वहां पर जागरूक हैं या नहीं? जो लोग घरों में मौजूद हैं, काफी जगहों पर ये सामने आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, जागरूकता की कहीं ना कहीं लोगों में कमी अभी भी है। जी मनीष, बता देना चाहूंगा कि प्रशासन, पाली जिला प्रशासन द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से बैनर, लाउड स्पीकर द्वारा मोहल्लों में, जिले में जगह जगह जीपों द्वारा, टैक्सियों द्वारा बैनर और पैम्पलेट बंटवाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस बचावी उपचार है, हाथ न मिलाए, नमस्ते से काम चलाए, फिर भी लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कुछ कर्फ्यू जोन रहित क्षेत्र जो खोले गए प्रशासन द्वारा, जिन्हें छूट दी गई है, लोगों द्वारा आज काफी दुकानों पर देखा गया मास्क लगाकर वो सोशल डिस्टेंसिंग पालना के साथ ग्राहकों को अपने सामान बेचते नजर आए। बिल्कुल मनीष, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो काफी जगह ऐसी भी हैं जहां पर तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं, लोग जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं और उसी प्रकार से उस जगह पर ज्यादा कोरोना का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। उदयपुर से रवि मल्होत्रा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, उदयपुर में देखिए जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या वहां पर नजर आ रहा है, क्या इंतजाम है, लोग जागरूक हैं या नहीं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कहीं कहीं लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है और उस जगह पे जो है कोरोना का आंकड़ा ज्यादा सामने आ रहा है। देखिए मनीषा, चिंता की बात बिल्कुल है क्योंकि उदयपुर में जो है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले क्योंकि कांजीघाटा जो क्षेत्र था वहां पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे शहर के अन्य इलाकों में भी
मरीज जो है सामने आते जा रहे हैं, तो ये लोगों के लिए जरूर चिंता वाली बात है। और इसी वजह से उदयपुर का करीबन जो है आधा जो क्षेत्र है वो अभी कर्फ्यू जोन में है, ये कंटेनमेंट क्षेत्र भी घोषित किया गया। हालांकि प्रशासन जो है और नगर निगम जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी इसमें अपनी सावधानी बरत रहा है। जहां पर भी कर्फ्यू क्षेत्र है वहां पर राशन भी पहुंचाया जा रहा है, उसके अलावा जो है सब जगह सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोशिश पूरी की जा रही है प्रशासन की ओर से कि मरीज नहीं बढ़े या जो भी इनके क्लोज कॉन्टेक्ट हो वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, ताकि ये जो वायरस है ज्यादा लोगों पे नहीं पहुंचे। रोजाना यहाँ पर जो है कई सारे सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं, उनकी कई लोगों की रिपोर्ट भी निगेटिव आ रही है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज उदयपुर में 13 पॉजिटिव आए। जी बिल्कुल रवि, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 152 लोग कोरोना की चपेट में आकर अभी तक अपनी जान राजस्थान में गंवा चुके हैं। प्रदेश के 32 जिलों से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6300 के पार पहुंच चुकी है। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, कोटा में क्या अपडेट? जिस प्रकार से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या इंतजाम वहां पर हैं और लोगों में जागरूकता किस प्रकार से वहां पर दिखाई दे रही है? क्योंकि लोगों का जागरूक होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। मैं तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो लगातार कोटा शहर में बढ़ता जा रहा है। अगर आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े की बात करें तो 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो लगातार अगर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात करें तो कोटा शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो अगर 18 स्थानों की बात करें तो 18 स्थानों में सभी जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार दिखाई दे रहे हैं। मगर जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद में बाजारों को खोला गया है और बाजारों को खोलने के बाद में लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं नियमों को ध्यान में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना को जो खतरा है उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास इनकी तरफ से जारी है। मगर जिला प्रशासन लगातार एक प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को घरों में रोका जाए और कहीं ना कहीं लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। मगर अभी भी कोटा शहर के जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण के प्रति सही तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। जी मनीषा। राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए। दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में 150 कोरोना पॉजिटिव मिले। जोधपुर में 18, डूंगरपुर कोटा में 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए।